एनटीपीसी सिंगरौली शक्तिनगर में पहुंची डॉक्टर अंजू बाला, सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ने कहा कि देश हित में एनटीपीसी का योगदान सराहनीय है। डॉक्टर अंजू बाला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा सोनभद्र जनपद में कार्यरत प्रमुख संस्थाओं एनसीएल, बैंक आदि की नियमानुसार गहन समीक्षा की गई। अपने अवस्थापन के दौरान डॉक्टर अंजू बाला ने एनटीपीसी के देश हित में किए गए योगदान की अत्यंत सराहना की और एनटीपीसी सिंगरौली के समाज परक योजनाओं, बालिका सशक्तिकरण अभियान, मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, अनुसूचित जाति के लिए विशेष रूप से गठित डॉक्टर अंबेडकर स्कूल आदि विभिन्न कार्यक्रमों की अत्यंत सराहना की। डॉक्टर अंजू बाला ने शिक्षा, स्वास्थ्य, मोबाइल, मेडिकल, एम्बुलेंस यूनिट, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, चिकित्सा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में सीएसआर और वनिता समाज के तहत एनटीपीसी सिंगरौली की सामाजिक कल्याण योजनाओं की सराहना की। उन्होंने एनटीपीसी लिमिटेड की प्रमुख पहल बालिका अधिकारिता मिशन की बहुत सराहना की, जिसके तहत हर साल कक्षा 5वीं सरकारी स्कूलों के 120 ग्रामीण छात्राओं को उनके व्यक्तित्व विकास के लिए एक महीने का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक बैच में से 10% मेधावी छात्रों को एनटीपीसी सिंगरौली स्कूल में 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी सिंगरौली एक जिम्मेदार संस्था होने के नाते आसपास के समुदायों में अपने सामाजिक विकास और कल्याणकारी पहलों को जारी रखेगी। जिसके लिए हमने सुमोटो पावर लिया, क्या उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, हुई तो कितना संतुष्ट है परिवार, तो परिवार को हम संतुष्ट देख के अब हम उसमें लास्ट में मुआवजे के लिए भी हमने पूछा, उसमें कुछ दिक्कत आई है उसके कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा जिसमें हमें फाइल क्लोज करना है। बाकी हाँ, अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू भी हो गया जिसमें हमारे डीएम एसपी भी मौजूद रहे, पूरा प्रशासन हमारा साथ में था, बहुत सारे मुद्दों पे हमारा डिस्कस हुआ और उसमें और उससे कैसे बेहतर हम बना सकते हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए विशेष हमारा जिसमें कमीशन का अधिकार होता है कि हर एक उसमें रिव्यू करे समय समय पर, क्या आप उनको जो सहायता उपलब्ध होनी चाहिए जिसके लिए हमें समय समय पर हम रिव्यू करते हैं वो हमने किया और उसमें देखा है एजुकेशन को लेके भी अच्छा हो रहा है और बैंक क्षेत्र को लेके थोड़ी सी समस्या भी हमारे सामने आई है, तो वो भी मुझे उम्मीद है कि इस रिव्यू के बाद में वो जल्दी समस्या दूर होंगी, क्योंकि मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के तहत हम युवाओं को रोजगार जो देना है उसके तहत कितना और आगे मोटिवेट कर सकते हैं, उसके लिए टीम पूरी तरीके से तैयार हो गई है। वो कहते हैं हम लोग पूरा अवेयरनेस कैंप भी लगाएंगे और वो भी उसमें, और उसके अलावा एनटीपीसी को लेके कुछ लोग, स्थानीय लोगों ने हमें बोला कि कुछ जो प्रावधान हमारे लिए होने चाहिए थे वो थोड़े से लग रहा है कि कम है, तो वो हमने अभी बात की है, वो पूरी तरीके से उन्होंने हमें संतुष्ट किया एनटीपीसी ने कि उसमें जो जहाँ छूट गया है वो हम उसे तत्काल ही पूरा करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है जब भी मैं कहीं विजिट पे जाती हूँ एनटीपीसी के प्रोजेक्ट हम देखते हैं, एनटीपीसी से सड़कें बनी हुई हैं बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो जब जिस धरती ने यहाँ पे उनको कंपनी लगाने का अधिकार दिया तो उस जगह पे भी उनका अधिकार बनता है, तो इसीलिए अभी उन्होंने आश्वासन दिया है जिस चीज़ों में कमी पाएगी वो तत्काल उसको कवर करेंगे। एक मामला अभी मैंने मैडम सामने आया है जिसमें ये देखा जा रहा है कि एनसीएल की दूधी चुमा परियोजना द्वारा लापरवाही करते हुए जिस तरीके से खदान क्षेत्र का जो दूषित पानी है सीधा रिहन जलाशय में भेजा जा रहा है और उसी उसी रिहन जलाशय में मछली निकालने का टेंडर वगैरह